वजीर आजम इमरान खान कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। सलाह मशवरे के लिए आज शाम 4 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वजीर आजम इत्तहादियों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन और एम के मरकीन से बातचीत होगी। वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल देना है या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के बाद कहा था इलेक्शन कमीशन हॉर्स ट्रेडिंग रोकने में नाकाम रहा। कोरोना के वार जारी, मुसलसल तीसरे दिन 50 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। 72 घंटों में 191 मरीज लुकमे अजल बन गए। एक दिन में मजीद 1579 नए केसेस सामने आए। तुर्की का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 10 अहलकार जान से गए। तुर्क वजारत दिफा ने हादसे की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर के तबाह होने की हतमी वजूहत सामने नहीं आई। और शायकीन मायूस ना हो, पीएसएल का 6ठा एडिशन मुकम्मल होगा। बाकी मैचेस मई में कराने का इम्कान, खिलाड़ी दस्तयाब होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइज मालिकान को आगाह कर दिया। कोरोना केसेस सामने आने पर पीएसएल मुलतवी किया गया।